जिस कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। आप प्रयास करिए, अभी तो खैर गर्मी है पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है पर गर्मी में सूख जाता है, उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो। थोड़ी थोड़ी दूर पे बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करिए। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है, तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। आप करो,